नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। जल की महत्ता को हर मनुष्य बहुत ही अच्छी तरह से जानता है। पृथ्वी पर जीवन ही जल है। जल के बिन जीवन की कल्पना करना मनुष्य के लिए नामुमकिन है। जल की महत्ता मानव जीवन में तो है ही, ये आस्था का भी प्रतीक है। हर धर्म में जल की महत्ता बताई गई है। हिंदू, मुस्लिम, सिख या ईसाई, चारों धर्मों में जल के महत्व को माना गया है, ताकि इसके महत्व को जानकर व्यक्ति इसे संजो कर रख सके। हर धर्म को मानने वाले की आस्था से जल बहुत ही गहराई से जुड़ा हुआ है। तो चलिए जानते हैं किस तरह से साधना और इबादत से जुड़ा है जल। सनातन परंपरा के अनुसार पंचभूत तत्वों में से एक जल को देवता के रूप में स्वीकार किया गया है। हिंदू धर्म में गंगा जल को बहुत ही पवित्र माना गया है। गंगा नदी को माता का दर्जा दिया गया है। सनातन परंपरा में हर एक धार्मिक अनुष्ठान में गंगा जल का प्रयोग अवश्य किया जाता है। मनुष्य के जन्म से लेकर उसके जीवन के अंत तक गंगा जल व्यक्ति से जुड़ा रहता है। सनातन परंपरा में सदियों से जल आस्था का अहम हिस्सा रही है। सिख धर्म में भी जल के महत्व को दर्शाया गया है। सिख परंपरा में जल को अत्यंत पवित्र माना गया है। गुरु गोविंद जी ने जब पंच प्यारों के लिए अमृत तैयार किया तो उसमें जल को भी महत्व तत्व बताया गया था। ज्यादातर गुरुद्वारों में एक पवित्र सरोवर अवश्य देखने को मिलती है। इस्लाम में भी आबे जमजम को बहुत ही पवित्र जल माना गया है। इस्लाम में इस जल के अल्लाह की रहमत मानी गई है। जब लोग हज या उमरा करने मक्का मदीना जाते हैं तो वहां से आबे जमजम का पानी जरूर लेकर आते हैं। इस पानी को बहुत ही इज्जत और पवित्रता के साथ संभाल कर रखा जाता है। ईसाई धर्म में भी जल का महत्व काफी है। ईसाई धर्म का बहुत ही महत्वपूर्ण संस्कार जल माना गया है। बैप्टिस्ट संस्कार शिष्यों के लिए किया जाता है और इसमें जल का प्रयोग किया जाता है। ईसाई धर्म में होली वाटर को बहुत ही पवित्र माना गया है। लोग गिरजा घर में जाकर इस जल को अपने माथे से लगाते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। मैं मिलूंगा आपको अगली वीडियो पे। नमस्कार।